हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल था द्विवेदी ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हम लोग नागपुर से आ चुके हैं एमपी। एमपी में हम लोग का छोटा सा गांव है कटहा के पास, तो गोरा। तो देखिए, हम अपने ससुराल जा रहे हैं अभी, और 10 डेज़ की वेकेशन मिले हैं थर्प को, तो इसीलिए सोचे कि 5 दिन ससुराल 5 दिन बाकी रह के थोड़ा सा मन भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहीं वहीं रह के आदमी बोर भी हो जाता है। बच्चे तो स्कूल चले जाते हैं, यहाँ वहाँ चले जाते हैं, मैं तो बोर हो जाती घर में रह के। तो देखिए, हम अपने ससुराल के गाँव मतलब जो गाँव है आस पास का, उसका नज़ारा थोड़ा दिखा रही हूँ। और देखिए, धान की खेती यहाँ पर पक चुकी है, धान पकने वाले ही हैं, है ना थर्प? थोड़ा थोड़ा धान पक, देखिए गांव आ गया है। और ये देखिए, छोटे मोटे गांव ऐसे आते जा रहे हैं। हम लोग ऑटो से आ रहे थे क्योंकि रोड बन रही है, तो इतनी अच्छी रास्ता भी नहीं है, तो छोटे इतने मतलब रास्ता बहुत ख़राब है अभी। और हम लोग ऐसे ऑटो से धीरे धीरे ऐसे करके पहुंचा रहा था। ये तो देखिए छोटे मोटे गांव हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, गांव में ही सुकून मिलता है, कितना सुंदर नज़ारा लगता है। देखिए, और गांव में प्रदूषण भी नहीं होता, प्रदूषण हाँ है ना। थर्प नाक में एक जलन भी नहीं होती गांव, वहाँ नागपुर में रहती तो इतनी जलन होती धूल की वजह से नाक में, और इधर बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत सफाई, ज़्यादा सफाई भी रहती नागपुर से। हाँ, उधर उधर बहुत गंदगी रहती है। नहीं, नागपुर भी क्लीन सिटी है, बट क्या है ना कि वो पोल्यूशन की वजह से लगता है कि गंदा गंदा है। तो देखिए, गांव के लोगों का हमारे इधर का कल्चर, और यहाँ पे धूल, और यहाँ पे नज़ारे भी बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, और मॉर्निंग में बहुत अच्छा लगता है, मॉर्निंग में। हाँ, थर्प तो लेट सो के उठता वैसे भी यहाँ पे, और मस्ती करता है। तो फ्रेंड्स, हम नागपुर के हैं, सप्तमी तक का भी नहीं, हाँ सप्तमी तक का वीडियो हम लोग नहीं बना पाएंगे, नहीं शेयर कर दिए थे। अष्टमी नवमी का वीडियो, दशहरा का वीडियो नहीं शेयर कर पाए थे, क्योंकि ससुराल है, ससुराल में थोड़ी दूर पर ही दुर्गा माता रखी हुई है। पर यहाँ के लोग बहुत कम ही मतलब लोग बाग यहाँ कम निकलते, जैसे शहर में है ना, तो सब कोई निकल के देख ले, इधर के लोग ऐसे नहीं जाते, इसलिए मैं आपका वहाँ का वीडियो नहीं शेयर कर पाई, और मतलब दशहरे का भी वीडियो शेयर नहीं कर पाई। ये देखिए नहर है, पहाड़ ही पहाड़। हाँ, ये देखिए, पहाड़ों में ही लोगों ने घर बसा लिया, ये पहाड़ है, और हम लोग की भाषा इधर पटपर भी बोलते हैं इसको, पहाड़। हम लोगों को मुझको समझ नहीं आ रही, पहाड़ कैसे होगा? ऐसे बहुत बड़ा पहाड़ नहीं, ऐसे पहाड़ है, पर देखिए ये नहर का पानी है। अच्छा, पहाड़ को तोड़ के सिंचाई के लिए नहर का पानी आ रहा है। यहाँ पे देखिए चारों तरफ पानी भरा हुआ है, और अभी मेरे गांव तक तो नहीं पहुँचा है ये, अभी पटपरे तक ही पहुँच पाया है नहर का सिंचाई का पानी। और पटपर इस, और इस सभी एरिया को पटपर ही बोलते हैं, और मतलब इसके बाजू में भी एक गाँव होता है, नगमा बोलते हैं, मतलब आस पास ही है ये सारे गांव। और अभी हमारे गांव में अभी देखिए, हमारा गांव भी हमारे पटन से जॉइंट हो जाएगा, क्योंकि रोड बन रही है, तो सब कुछ फैसिलिटी यहां भी हो जाएगी। बट इतना विकास नहीं है मेरे गांव का, क्योंकि आबादी बहुत कम है हमारे गांव की, और जितने भी जैसे ब्राह्मण ब्राह्मण की आबादी है, तो इतनी आबादी नहीं है। और देखिए, ये हम लोग पहुँचने वाले हैं, और यहाँ पे ये जो बाड़ा लगा हुआ है, यहाँ पे कानी हाउस ऐसे बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे गाय भैंस को ऐसे मतलब जो छोटे रहते हैं मवेशी, उनको बांधा जाता है, जो लोग छोड़ देते हैं ऐसे अपने गाय भैंस को, तो फिर वहाँ पे खाने पीने का सब कुछ सामान उनको अवेलेबल कराया जाता है। तो फ्रेंड देखिए, अब हम लोग पहुँचने वाले हैं, और ये पापा के स्कूल आने वाली थी यहाँ से, लेकर गई पापा के स्कूल मेरे, क्योंकि पहले के बच्चे तो गांव में ही पढ़ते थे ना। तो ये देखिए, हम लोग पहुंच चुके हैं, और यहाँ ऑटो से उतरने के बाद फिर सीधे हम लोग अपने घर का, ना थक गए थे कि दूसरे दिन का वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे थे। मेरे घर में ये दो बिल्लियाँ हैं, अतर बताओ क्या नाम इनका? भूल गया, डुगी 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 इनका बिल्लिया है, डरती भी बहुत है, अथर से डरती है, देखो मस्ती भी बहुत करती है ये घर, और तो इसी वजह से। और देखिए, इसके बाद फिर हम आपके साथ शेयर करते हैं दूसरे दिन का वीडियो अपने यहाँ का। और यूट्यूब चैनल थ्री ब्लॉग फ्रेंड्स, यहाँ पे बिल्ली रहती है, एक बहुत परेशान करे, दो समोसे अभी उठा के लिए हम समोसे बना रहे हैं। लाइटर है, नहीं करो बेटा, हेलो फ्रेंड्स, देखिए जब अभी समोसे बन रहे हैं, तो और मैं वहाँ पे बिल्ली थी, बिल्ली भगवान के वो तो बिल्ली यहाँ डुग्गी फ्रेंड्स, वो दोनों एक दो समोसे लेके गई थी, अभी दो समोसे कच्चा खा लिए। और मैं आप कुछ बोलूँगी,
तो फिर ये मेरे ससुराल के किचन का है, तो वो पीछे जो दीवार दिख रही है वो गिर रही, क्योंकि साइड में ऐसे बगल में घर बन गए उनके, तो सिंचाई होती है इसकी वजह से वो दीवार गिर रही है, तो पूरा ही गिर जाए, तो फिर इसको रिपेयर करवाना, क्योंकि कच्चे में सिर्फ मेरी किचन ही बची है, बाकी सारा घर मेरा फर्श है और पक्का है, छत वाला घर है, बस यही बस छप्पर वाला घर बना है, किचन ही है, तो इसकी बस ये गिर जाएगी, तो इसको भी फिर रिपेयर करवाना है फिर। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आज है मैंने ससुराल में आने के दूसरे दिन क्या किया। तो फिर फ्रेंड ये देखिए समोसे के लिए अथर बहुत रेडी रो रहा था, बोला था नहीं मैं मार्केट का समोसा नहीं खाऊंगा, घर का ही समोसा खाऊंगा, तो उसी का वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और देखिए मैंने घर पर ही समोसे बनाए, और फ्रेंड्स बाकी बहुत अच्छे समोसे बने थे, कड़क बने थे, नहीं तो अगर मैं रिफाइंड ऑयल में अगर तलती थी ना तो समोसे हैं सॉफ्ट बनते थे, पर मैं इस बार डालडा में ये समोसे को फ्राई किया तो एकदम टाइट टाइट बने, तो देखिए ये समोसे बन के तैयार हो गए। बिल्लियाँ बहुत परेशान के सारे में पंजे कहीं कुछ मार रही थी, बड़ी मुश्किल से ज्वाइंट लगा लगा के बनाई हूँ। और देखिए फ्रेंड्स ये मेरे समोसे तल के रेडी हो चुके हैं, और बताइए कैसा लग रहे हैं मेरे समोसे, लग रहे हैं ना मार्केट जैसे एकदम कुरकुरे। और फ्रेंड बाकी बहुत अच्छे समोसे बने थे, है ना थर्प खाया आपने, अच्छा बहुत टेस्टी। मैं बस समोसे के अंदर की सब्जी नहीं खाता हूँ, आलू की, आलू नहीं खाता था मेरी, सिर्फ पापड़ी पापड़ी खाता, पर पता नहीं क्यों बन पाता समोसे से, अच्छा तो बटोले ही खा लिया करे अच्छा लगेगा अथर को। तो फ्रेंड देखिए मेरे समोसे बन के तैयार हो चुके हैं, और ये मैं ये है कि घर में बनाओ तो क्वांटिटी में भी बन जाते हैं, मार्केट में बस क्या ना गिरे चुने आदमी लेके आता है, इतना ज़्यादा नहीं लाता और अच्छा भी नहीं रहता, क्योंकि ऑयल भी अच्छे कौन पता नहीं कौन सा ऑयल यूज़ करते, पेट भी दुखने लगता है। तो ये देखिए ये मैंने घर पर ही समोसे बनाए हैं, और मेरे बाकी और समोसे बचे थे उनको भी फ्राई करना था, और समोसे बनाना इतना कठिन नहीं है, बहुत ही ईजी तरीके से बनाया जा सकता है, अगर आपको चाहिए होगा तो इसकी रेसिपी भी मैं शेयर कर दूंगी अलग। तो इस तरह फ्रेंड्स मैंने समोसे बनाए, और मेरा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और समोसे बनने के बाद पहले तो अथर ने ही टेस्ट किया, और बहुत ही अच्छे बने थे और टाइट थे एकदम कुरकुरे बने हुए थे। तो इस तरह फ्रेंड्स मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो भी शेयर करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।